हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ एनसीईआरटी से ही कवर करने वाली हूँ, जस्ट अपने कुछ सेपरेट नोट्स से मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें क्या था, जो टर्म जेनेटिक्स थी वो किन्होंने दी थी, डब्ल्यू बेटेसन ने। कौन थे ये, फादर थे मॉडर्न जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स क्या होती है, इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जेनेटिक्स जो डील करती है कलेक्टिव स्टडी जो होती है हेरिडिटी की और वेरिएशंस की, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है, मैं हेरिडिटी के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर का किसी पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में। किस चीज का जो है ट्रांसमिशन है, उसके जेनेटिक कैरेक्टर का, ठीक है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई जैसी पेरेंट्स में यानी माता पिता में कुछ आदतें होती हैं या उनकी कुछ अपीयरेंस होती है, यानी फिनोटिपिक जो उनकी कैरेक्टर्स होते हैं वो एज इट इज ऑफ स्प्रिंग में पास होते हैं, तो वही चीज़ हेरिडिटी होती है। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंसेस, जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें वेरिएशन कहते हैं। जैसे आप ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग से सब ठीक है, स्पीसीज तो एक ही है हम सब की, लेकिन वेरिएशन कितनी है ना हर एक इंसान में। भले ही दो हाथ दो पैर हैं सबके, डजंट मीन कि वो एक जैसे हो गए, और वो जो डिफरेंस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशन कहाँ पे अपीयर होती है, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं या फिर सिबलिंग्स होते हैं, किसकी वजह से। अब मैं आपको ये बेसिक बात बता रहा हूँ, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो जाए या फिर रीशफलिंग हो जाए जीन्स की, रीशफलिंग होती है मतलब वो वापस से मतलब शफल होकर अपने पोजिशन पे आ जाए, ठीक है। सेल वो और कहाँ थे हम, हाँ, चांस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, मतलब कि क्रोमोजोम्स की चांस कॉम्बिनेशन होता है कि मतलब वो मतलब जिस सीक्वेंस में नहीं होने थे उसके अपोजिट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंस आता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे अंदर जो मेरी क्रोमोसोम्स की सीक्वेंस बनी है सिमिलर, वही अगर दूसरे में बन गई तो बिल्कुल सेम ही तो कैरेक्टर शो होंगे ना, तो लेकिन ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है म्यूटेशन आ जाती है मियोसिस या फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो बेसिस क्या क्या है इसी क्लासिफिकेशन के, इम्पैक्ट क्या क्या होगा, यूजफुल न्यूट्रल हार्मफुल कैसी होती है, सेल अफेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब यानी फिनोटिपिक या जीनोटाइप, फिनोटिपिक होता है जो फिजिकल अपीयरेंस से में डिफरेंस हो उससे पता चले, जीनोटिपिक होता है जो जीन्स में जो क्या हो डिफरेंस हो, ठीक है। डिग्री क्या है, कॉन्टिन्यूस होती है डिसकॉन्टिन्यूस होती है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे शायद आपके एनसीईआरटी की बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, मैं सिर्फ आपको इसका बेसिक बताऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा तो हम इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले। दो टाइप की होते हैं वैसे अगर मैं वेरिएशन की बात करूँ, एक होती है सोमेटिक वेरिएशन और एक होती है जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन कैसी होती है, जो बर्थ के बाद हो, ठीक है, अपीयर आफ्टर बर्थ, मतलब पैदा हो गया है बच्चा उसके बाद जो वेरिएशन उसके अंदर दिखे, और ये इन्फ्लुएंस सोमेटिक और जो बॉडी होते हैं उनको भी ये इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। और जो सोमेटिक वेरिएशन है वो फॉर्म्ड किसकी वजह से फॉर्म होती है, कब फॉर्म होती है, तो भाई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चा पैदा हो गया तो अब वो एनवायरमेंट के अंदर ही तो है ना, कोई भी एनवायरमेंट फैक्टर उसको क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब कैसे मतलब ऑर्गन का यूज हो रहा है डिसयूज हो रहा है क्या कुछ हो रहा है, कॉन्शियस इफेक्ट की वजह से। जर्मिनल वेरिएशन क्या होती है, ये क्या होती है, इनहेरिटेबल होती है, फॉर्म मोस्टली इन जर्मिनल सेल, जर्मिनल जो सेल्स होते हैं हमारे उनमें फॉर्म होती है। दो टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन जर्मिनल में। कॉन्टिन्यूस क्या आती है, जो फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन ऑल्सो कॉल्ड एज रिकम्बिनेशन, फ्लक्चुएटिंग होती है। रुको मैं आपको इसका एग्जैक्ट वर्ड बताती हूँ, फ्लक्चुएशंस मतलब आप समझ सकते होगे फ्लक्चुएशन मतलब, एक मिनट रुको, जो उतार चढ़ाव होता है, हाँ मैंने कहा फ्लक्चुएशंस वो होती है जो उतार चढ़ाव वाली वेरिएशन होती हैं ये, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी कौन सी थी, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, इसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स एल्टेशन या फिर म्यूटेशन वेरिएशन भी इसको हम कह सकते हैं, बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है, ज्यादा। और इनहेरिटेबल का मतलब आपको पता चल गया होगा कि जर्मिनल वेरिएशन क्या है, इनहेरिटेबल है, मतलब इनहेरिटेबल वो होती है जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में पास होती है, ठीक है, जो मैंने बताया था हेरिडिटी में। अब बात करेंगे मुलर, मलर प्रपोज द टर्म साइटोजेनेटिक्स एंड इज फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। जो मलर थे, ये आपकी इसमें एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है कि मलर जो थे उन्होंने कौन सी टर्म जो है डिस्कवर की थी, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस की स्टडी होती है, किसके रिलेशन में, उनके स्ट्रक्चर के और फंक्शन के, क्रोमोजोम के, मतलब कि
फंक्शन और स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का, इसके बेस्ड पे जो इनहेरिटेंस की स्टडी हो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोजेनेटिक्स। तो ये टर्म किन्होंने दी थी, मलर ने। मॉर्गन इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मॉर्गन जो है वो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, ड्रोसोफाइला के ऊपर, और प्रपोज किए थे बहुत सारे वेरियस कॉन्सेप्ट, जैसे कि भाई जीन थ्योरी हो गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जीन्स जो है लीनियरली लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे, मतलब क्रोमोसोम पे ऐसे सीधी लाइन में, ठीक है। लिंकेज थ्योरी इन्होंने दी थी, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज टर्न, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और लिंकेज मैप ऑन ड्रोसोफाइला, ठीक है, आगे देखेंगे। ए गैरोड इज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है, ए गैरोड एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। गैरोड ने डिस्कवर किया था पहला ह्यूमन मेटाबोलिक जेनेटिक डिसऑर्डर, विच इज कॉल्ड एल्काप्टोन्यूरिया, ठीक है, यानी कि ब्लैक यूरिन डिसीज, ठीक है। उन्होंने क्या और कॉन्सेप्ट दिया था, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, ठीक है, मतलब कि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो ये आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ जो इनहेरिटेंस की स्टडीज में इस चैप्टर में यूज किया गया है, मैं पहले उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आगे जब हम एकदम से उन टर्म्स का यूज करें तो कंफ्यूजन ना हो। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। फैक्टर वो यूनिट है हेरिडिटी की जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस के लिए और कैरेक्टर की अपीयरेंस के लिए, उन्हें हम कहते हैं फैक्टर। इन फैक्टर दिस फैक्टर वर रेफर्ड एज जीन्स, इन फैक्टर को जो है हमने जीन्स का नाम दे दिया था 1909 में, और किनके द्वारा हुआ था, ये जोनेसन के द्वारा। मेंडल ने यूज की टर्म एलिमेंट फैक्टर के लिए, ठीक है, देखो इनका नाम फैक्टर था 1909 में, इनको जीन का नाम हमने दे दिया था किनके द्वारा, जोनेसन के द्वारा, लेकिन मेंडल ने जो उनके एक्सपेरिमेंट वगैरह थे उनमें इन्होंने फैक्टर को एलिमेंट के तौर पर यूज किया था, ठीक है, एलिमेंट का नाम दिया था। मॉर्गन फर्स्ट यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट द फैक्टर, मॉर्गन ने सबसे पहले तो क्या किया था, फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज किया था, जैसे कि डोमिनेंट फैक्टर थे उनको रिप्रेजेंट कर दिया था कैपिटल फैक्टर से, और जो डोमिनेंट फैक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर से, जबकि जो रिसेसिव थे उनको स्मॉल लेटर से। अब डोमिनेंट वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर, मतलब एक ऐसे देख लो कि एक काफी मतलब फिजिकली बहुत ही मतलब बॉडी शोडी बनाया हुआ एक लड़का है, और एक जो थोड़ा कमजोर लड़का है, तो जो वो थोड़ा बॉडी वाला होगा वो जो जिसकी बॉडी नहीं है उसके ऊपर डोमिनेंसी शो कर सकता है, उसको मार देगा, ठीक है, अच्छा खासा थप्पड़ मार देगा, वो जो थोड़ा कमजोर होगा वो उसको नहीं मार पाएगा, ठीक है, इतना तेज, या फिर मतलब क्या पता वो भागी जाए। तो क्या हुआ कि जो थोड़ा ताकतवर था उसने अपनी डोमिनेंसी उसके ऊपर शो की, तो वो हो गया डोमिनेंट, और जो उसको वापिस से नहीं मार पाया, जो उससे घबरा गया, डर गया, जिसका इफेक्ट कम हो गया, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, रिसेसिव, उसका नाम होता है रिसेसिव, जो कमजोर हो, जो अपना इफेक्ट जो है शो ना कर पाए। एक प्योर लाइन इज अ प्लांट, एक प्योर लाइन क्या होती है, एक प्लांट या एनिमल होता है जो कि जेनेटिकली प्योर होता है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और मतलब राइज भी वो अपने सेम कैरेक्टर को दे सकता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर इंटरब्रीडिंग के बाद। इंटरब्रीडिंग क्या आगे बताऊंगी। अब एलील टर्म आएगा इसमें जो कि आपको समझना है, एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की ही, ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड होती है, सेम पोजीशन पे, यानी कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा लोकाई या फिर लोकस, ठीक है, सेम पोजिशन पे जो होमोलोगस क्रोमोजोम की सेम लोकेशन पे एलील प्रेजेंट होते हैं। टर्म एलील किन्होंने कॉइन की थी, बेटसन ने। अब होमोजाइगस क्या होता है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो मैंने आपको बताया भी, होमोलोगस का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम, हिट्रोलोगस का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजाइगस क्या होता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू एक जो जाइगोट होता है वो दो गैमेट की फ्यूजन के बाद फॉर्म होता है, हैविंग आइडेंटिटिकल फैक्टर्स इज कॉल्ड होमोजाइगोट, और उनके जो फैक्टर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे, मतलब जाने पहचाने होते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम दिस जाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगस, और जो भी ऑर्गेनिज्म उस जाइगोट से डेवलप होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म वो जो जाइगोट बना है दो गैमेट्स की फ्यूजन से जिनके फैक्टर्स आइडेंटिकल है उन्हीं को हम कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। हेटरोजाइगस का एग्जांपल जैसे कि ले लो एक जाइगोट जो कि फॉर्म हो दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट के फ्यूजन के द्वारा, ठीक है, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो उनके, उसे हम कहते हैं हेटरोजाइगोट, एंड इंडिविजुअल डेवलप्ड फ्रॉम सच जाइगोट इज कॉल्ड हेटरोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट है टर्म होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस आर कॉइंड बाय बेटसन,
और हेमीजाइगस क्या होता है, इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ पेयर हैमी। अब बात थी हमने होमो की और हिट्रो ही कर दी, अब बात करेंगे हेमीजाइगोस की। तो अगर इंडिविजुअल कंटेन करे ओनली वन जीन ऑफ पेयर, एक ही जीन ऑफ पेयर कंटेन करता है, तो इंडिविजुअल को हम क्या कह सकते हैं कि वो हेमीजाइगोस है। मेल इंडिविजुअल हमेशा हेमीजाइगोस होता है सेक्स लिंक्ड जीन के साथ, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जीन के लिए। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल एंड मोर्फोलॉजिकल अपेयरेंस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जीनोटाइप क्या होता है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म की जो दोनों टर्म थी, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये दी थी जोनसन ने। फिनोकॉपी क्या होता है, अगर डिफरेंट जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रख दिए जाएं तो वो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। आप ध्यान से सुनना, फिनोकॉपी क्या होता है, डिफरेंट जीनोटाइप्स को आप डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में रख दो तो वो प्रोड्यूस करेंगे सेम फिनोटाइप। देन दीज जीनोटाइप्स आर सेट टू बी फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की फिनोकॉपी कहलाई जाती है। आप ये कह सकते हो मतलब कॉपीकैट से, ठीक है, एक जैसे दिखने वाली। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच F1 इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड विद एनी ऑफ देयर पेरेंट्स। एक बैक क्रॉस क्या होता है, मतलब ऐसे क्रॉस होती है जिसमें F1 इंडिविजुअल को उनके किसी भी पेरेंट के साथ जो है क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। मतलब जो F1 इंडिविजुअल होंगे, जो सबसे पहली जनरेशन होती है, उसको उनके जो पेरेंट्स होते हैं उसके साथ क्रॉस कराया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन कितना डोमिनेट कर रहा है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है, कैसा क्या है। जब F1 इंडिविजुअल को आप क्रॉस कराते हो डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो वो टर्न उसको फिर हम कह देते हैं क्रॉस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस। और जो कहाँ थे हम, हाँ, द जनरेशन ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस, जो जनरेशन हमको इस क्रॉस के द्वारा फिर मिलती है वो सभी डोमिनेंट कैरेक्टर शो करती है, ठीक है। तो कोई भी एनालिसिस पॉसिबल नहीं होती F1 जनरेशन में। तो टेस्ट क्रॉस को अगर हम समझे, अब टेस्ट क्रॉस क्या टर्म है, क्योंकि आगे है चैप्टर में, जब F1 जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का मतलब होता है जो वंश है, जो F1 जनरेशन का है, इस क्रॉस जब हम उसको रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव कौन था, वो कमजोर वाला, ठीक है, उसको कहेंगे हम टेस्ट क्रॉस। जो टोटल जनरेशन ऑब्टेंड होगी इस क्रॉस से, वो 50% तो ऐसी होगी जिसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, और 50% वो ऐसी होगी जो रिसेसिव कैरेक्टर होल्ड करती होगी, ठीक है, और उसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड होता है जिसके पास एक हाइब्रिड हो, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस हेल्प टू फाइंड आउट द जीनोटाइप। तो टेस्ट क्रॉस से हम क्या पता लगा सकते हैं कि भाई जीनोटाइप कैसा है डोमिनेंट इंडिविजुअल का, यानी कि जेनेटिक मेकअप कैसा है उसका। अब बात करेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो प्रोजेनी ऑब्टेंड हुई है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से, वो इक्वल होती है प्रोपोर्शन में, मतलब कि 50% डोमिनेंट फिनोटाइप्स होते हैं, 50% उसके रिसेसिव फिनोटाइप्स होते हैं। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब कि अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के तो नहीं बता सकती, वो चीज नहीं है, पर आप थोड़ा समझना, जैसे कि F1 प्रोजेनी है, ठीक है, मतलब उसमें मेरा एक तो जो है डोमिनेंट टी है और एक रिसेसिव स्मॉल टी है, ठीक है, आप इतना समझ गए होगे चैप्टर, कभी आपने थोड़ा वो देखा हो पहले। हम उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका क्रॉस करा रहे हैं, यानी कि स्मॉल टी, तो अगर हम उसका पुनिट स्केयर बनाएं तो हमारे पास जो है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आती है 1:1। अब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जो प्रोजेनी है वो ऑब्टेंड हो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से, आर ओ 4 टाइप, चार टाइप की हो सकती है, और चारों का जो प्रोपोर्शन होता है वो 25% होता है। जैसे कि F1 डाई हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट से आप जो है मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो रेशियो आती है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की वो होती है 1:1:1:1। तो जो कंक्लूजन क्या निकला है कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो का, जो इन दोनों का रेशियो होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप का, वो सेम होता है। अब बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, जब दो पेरेंट को यूज किया जाए दो एक्सपेरिमेंट में, ऐसी मतलब इस तरह की, एक जो एक्सपेरिमेंट ए है, ए मान लो, उसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज किया जाए और बी को यूज किया जाए मेल पेरेंट की तरह, अदर एक्सपेरिमेंट में ए को यूज किया जाए मेल पेरेंट की तरह और बी को यूज किया जाए फीमेल पेरेंट की तरह, तो उस टाइप ऑफ सेट एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। मतलब पहले ए को फीमेल बना दिया बी को मेल, फिर अगले में ए को मेल बना दिया बी को फीमेल, ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। कैरेक्टर्स जो कंट्रोल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, कैरियोजीन, ठीक है, आर नॉट अफेक्टेड बाय, कैरियोजीन के द्वारा कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं। अब वो जो है वो रेसिप्रोकल क्रॉस से अफेक्ट होता ही नहीं है। तो इस केस में जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो रिजल्ट चेंज बाय रेसिप्रोकल क्रॉस, उसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस।
तो रेसिप्रोकल क्रोसिस कहाँ यूजफुल है कि भाई आपको सेक्स लिंक्ड ट्रेट जानने हो, जो कि मतलब डिसऑर्डर आप आगे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर शोज अ डिफरेंस इन रेसिप्रोकल क्रोस, ठीक है। एक है चेकर बोर्ड मेथड, ये फर्स्टली यूज किया था रेजिनेल्ड सी पुनिट के द्वारा। मतलब इस मेथड में क्या होता है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन जो होती है जनरेशन की, उसके लिए ये मेथड होता है ताकि हम एनालाइज कर पाए कि किस फॉर्म ऑफ सिंबल ऑफ स्क्वेयर में हमें चीजें रखनी है। जैसे कि मेल गैमेट है वो हॉरिजेंटली लाई करता है, फीमेल गैमेट वर्टिकली लाई करती है। ये डिपिक्ट्स करती है कि दो जो जीनोटाइप और फिनोटाइप, मतलब प्रोजेनी के दोनों चीजें, ठीक है, यानी जीनोटाइप को भी और फिनोटाइप को भी। अब बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो हमने सारी बेसिक बातें इस चैप्टर की यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब बात करेंगे कि मेंडलिज्म मींस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल्स ऑन जेनेटिक्स। मेंडलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए मेंडल के द्वारा जेनेटिक्स पर। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी प्रोसेसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल आर नोन एज मेंडलिज्म। जो डिस्क्रिप्शन और मैकेनिज्म होता है हेरिडेटरी प्रोसेसेस का और जो फॉर्मुलेशन थी उन प्रिंसिपल्स की, उनको कहते हैं मेंडलिज्म। मेंडल ने पोस्टुलेट किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज जो कि रिलेटेड थे किससे, जेनेटिक्स से। ग्रिगोर जॉन मेंडल स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हेरिडिटरी पी, यानी कि पाइसम सेटिवम प्लांट भी उन्होंने शुरू किया था। जो रिजल्ट थे उनके एक्सपेरिमेंट के वो पब्लिश्ड हुए थे साइंस जर्नल में, नेचर फॉर स्कैंडर वेरियन में 1866 में। वो जर्नल कैसी थी, जर्मन लैंग्वेज में थी, टाइटल उसका था वर्शियो यूबर फ्लैंगन हाइब्रिडन, ठीक है, ये उसका, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में था ये। तो मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे वो चार स्टेप इन्वॉल्व करते थे, सिलेक्शन कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी यानी क्रॉस, फिर सेल्फिंग करनी है, फिर कैलकुलेशन। इस रिजल्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ जेनेटिक्स लेटर। मेंडल ने परफॉर्म किया मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रोसिस एंड ये तीन प्रिंसिपल उन्होंने दिए, कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लो ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। उन्होंने प्रपोज किया कि जो फैक्टर्स है जिनको बाद में हमने जीन्स का नाम दे दिया था, वो रेगुलेट कर रहे हैं कैरेक्टर्स को जो कि पेयर्स में मिलते हैं हमें, एलील, जिनको हम एलील के नाम से जानते हैं। ही ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग फॉलो डेफिनेट पैटर्न, वो फॉलो करता है, ठीक है, यानी एफ वन जनरेशन, फिर सेकेंड को एफ टू एंड सो ऑन। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस्ड वैन फैक्टर आर इन हिट्रो, जब हिट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी लो ऑफ डोमिनेंस में हम डोमिनेंसी का पता लगा सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर का। रिसेसिव कैरेक्टर आर ओनली एक्सप्रेस्ड, जो होमोजाइगस कंडीशन है उसमें सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर का पता लगाया जा सकता है। जो कैरेक्टर है वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते हिट्रोजाइगस कंडीशन में, तो एक जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाया था हिट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, कि जब कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है कि अलग अलग, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, जो पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर का या जीन का, उनको हम टुगेदर एक हाइब्रिड में रख दे, तो ये फैक्टर कभी भी ब्लेंड अप या मिक्स अप नहीं होते, लेकिन सिंपली एसोसिएट, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं और रिमेन टुगेदर एंड सेपरेट, मतलब एक ही टाइम पे साथ में भी रहते हैं और सेपरेट भी हो जाते हैं, ठीक है, जीन कब, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। इसको कहते हैं लो या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो अबव लो है उसको लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर एक गैमेट जो है इसमें प्योर होता है उसके खुद में। जैसे हैविंग इधर टी, कैपिटल टी है दैट इज जीन फॉर टोनलेस, और स्मॉल टी यानी जीन फॉर ड्वार्फनेस, ठीक है, खुद का ही है एक, मतलब इसका जो कैरेक्टर। मेंडल फॉर्मुलेटेड दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या स्टेट करता है कि जो जीन्स है डिफरेंट कैरेक्टर्स के वो लोकेट होते हैं डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, और इन दिस सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो प्रिंसिपल है सेग्रीगेशन का या फिर इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पे। इंपॉर्टेंस क्या क्या थी मेंडलिज्म की, कि मेंडलिज्म के बेसिस पे जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं एनिमल्स की या फिर वराइटीज है जो प्लांट्स की, उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। साइंस ऑफ यूगेनिक्स, यूगेनिक्स होता है जो डेवलपमेंट हो सुपीरियर प्रोजेनी की, सुपीरियर वंश की, वो मेंडलिज्म के ऊपर बेस्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलिज्म हिट्रोसिस हैज बीन यूटिलाइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हिट्रोसिस को भी क्या है, बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में यूटिलाइज किया गया। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये हो गया एक मिनट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आप चल पड़ो एक बार।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात करूं, जब हम कंसीडर करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को किसी एक ही पर्टिकुलर टाइम पे क्रॉस में, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले मेंडल ने सेलेक्ट किया टोल और ड्वार्फ प्लांट को, ठीक है, ये यहाँ पे ये वही एग्जांपल है, ठीक है। तो उन्होंने टोल यानी प्योर और ड्वार्फ प्योर उनकी जो है क्रॉसिंग कराई, एफ वन जनरेशन में सारे टोल आए यानी इम्प्योर आए, उनकी फिर सेल्फ पोलिनेशन करा दी, ठीक है, यानी सेल्फिंग कराई उनकी। तो उस दौरान क्या आया, टोल और ड्वार्फ। ड्वार्फ कैसे थे, फिनोटाइपिक रेशियो और बेसिस रेशियो ऑफ मेंडलिज्म रेशियो। तो एफ टू जनरेशन में रेशियो क्या रहा, 3:1 का, ठीक है। तो मतलब ये क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन क्या क्या थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल के अनुसार जो जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर है वो कंट्रोल होते हैं अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर के द्वारा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन ऑफ पेयर फैक्टर और यूनिट फैक्टर। सेकेंड कंक्लूजन ये था कि भाई जो एफ वन, मतलब एफ वन जनरेशन के ऊपर था सेकेंड कंक्लूजन जो निकला था, कि जब दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर को हम प्रेजेंट कर दे, प्रेजेंट हो किसी भी सिंगल इंडिविजुअल में, दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर प्रेजेंट हो सिंगल इंडिविजुअल में, तो सिर्फ एक ही यूनिट फैक्टर ऐसा है जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसी को हम कहते हैं डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। जो अनदर यूनिट फैक्टर रहेगा वो खुद को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाएगा, उसको हम कहेंगे रिसेसिव फैक्टर। तो इन द प्रेजेंट डोमिनेंट यूनिट फैक्टर की प्रेजेंस में जो रिसेसिव यूनिट फैक्टर वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता, और उसको हम कहते हैं कंक्लूजन ऑफ डोमिनेंस। थर्ड कंक्लूजन क्या था, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो यूनिट फैक्टर था एक पेयर का सेग्रीगेट रैंडमली, वो एक दूसरे से मतलब सेग्रीगेट होता है, अलग हो जाना, मतलब रैंडमली अलग हो जाते हैं और ट्रांसफर इनसाइड अ डिफरेंट, और किसी डिफरेंट ही गैमेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उस दौरान जो भी गैमेट होगा वो रिसीव करेगा सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ पेयर, तो गैमेट्स जो हैं वो प्योर होंगे उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट और सेग्रीगेशन, ठीक है। अब बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, ये पे होगा डायहाइब्रिड, ठीक है, अलग अलग। अ क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर, एक क्रॉस जो कि क्या बताती है, इनहेरिटेंस दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की, कॉन्ट्रास्टिंग यानी अलग अलग। मेंडल ने सेलेक्ट किए ट्रेट्स फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज, सीड फॉर्म की, भाई सीड की फॉर्म कैसी है, राउंड है या रिंकल्ड, राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, या आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। और कलर ऑफ कोटिलेडन्स येलो या फिर ग्रीन। जब एफ वन प्लांट्स को आपने सेल्फ पोलिनेट किया, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, चार काइंड ऑफ प्लांट एफ टू जनरेशन में, सच दैट जैसे येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड। रेशियो क्या है, 9:3:3:1, देन दिस रेशियो, उस रेशियो को हमने क्या कहा, डायब्रिड रेशियो। कंक्लूजन क्या थे इसके, जो एफ टू जनरेशन प्लांट है वो प्रोड्यूस करती है दो नए फिनोटाइप्स। सो इनहेरिटेंस ऑफ सीड कोट कलर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ सीड, तो अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड टाइप। तो मतलब दो डिफरेंट ही फिनोटाइप्स प्रोड्यूस कर दिया एफ टू जनरेशन में। तो जो ये ऑब्जर्वेशन थी, ये क्या लेड किया इसने मेंडल्स कंक्लूजन को, कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन प्लांट वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं इनहेरिटेंस के दौरान, मतलब अलग हो जाते हैं, इसको हमने कहा कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे, ये सारी यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह दे रखी है, ये मतलब ये चीज़ें आप रीड कर लेना खुद से एक बार, ये टेस्ट क्रॉस मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोमोसोम हमने डायहाइब्रिड कर लिए, देखो ये वाला हमने अभी किया, ये बता दिया मैंने आपको, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैं सब कुछ कवर करा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये एनसीईआरटी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो आप रीड कर लेना बाद में पूरा चैप्टर अच्छे से। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वो फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, पहले सबसे पहले किन्होंने दी थी, डब्ल्यू एस सटन ने और बोवरी ने 1902 में। तो ये थ्योरी क्या स्टेट करती है कि जो क्रोमोसोम्स हैं आर व्हीकल ऑफ हेरिडेटरी, वो हेरिडेटरी के ऐसे व्हीकल, मतलब हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन के और एक्सप्रेशन एज जीन्स के व्हीकल हैं। साइलेंट फीचर क्या क्या थे इस थ्योरी के, गैमेट सर्व एज द ब्रिज बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। गैमेट
जो है ब्रिज के जैसा काम करता है दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच में, ठीक है। और ब्रिज की इंपॉर्टेंस आप जानते हो कि भाई आपको एक साइड से दूसरी साइड जाना है, बीच में नदी है और वहां पे ब्रिज ना हो तो आप कैसे जा पाओगे, ठीक है। और नदी बहुत गहरी हो, ऐसी नहीं कि भाई आप नाव वगैरह की कुछ फैसिलिटी ना हो, तो यार ब्रिज का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्ले एन इक्वल रोल, मेल और फीमेल दोनों गैमेट जो है इक्वल रोल प्ले करती हैं हेरिडिटरी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। ओनली न्यूक्लियस और स्पर्म का, जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, वो कंबाइन करता है ओवम के साथ, तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज कंटेंट इन द, तो न्यूक्लियस में हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है, याद रखना। क्रोमेटिन जो होते हैं न्यूक्लियस में वो एसोसिएट होते हैं किसे, सेल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। वो पीछे हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ के भी आए, क्रोमेटिड फाइबर्स थ्रेड्स वगैरह। तो एनी टाइप ऑफ डिलीशन, कोई किसी भी प्रकार के डिलीशन या एडिशन होना क्रोमोसोम में, वो क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस कर सकते हैं लिविंग बींग्स में, ऐसी हम जो आगे अब पढ़ेंगे ना डिसीज, आपको तब समझ आएगा, ठीक है। तो अ सॉर्ट ऑफ पैरेललिज्म इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम, एक सॉर्ट ऑफ पैरेललिज्म, पैरेललिज्म होता है कि साइड बाय साइड चले, ठीक है, पैरेलल लाइंस आप समझते हो, तो मतलब कुछ ऐसा जो है ऑब्जर्व हुआ मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम्स के बीच में। तो अ नंबर ऑफ जीन्स और मेंडेलियन फैक्टर आर फाउंड इन ईच क्रोमोसोम, तो डिटर्मिनेशन जो सेक्स था इन मतलब बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स में वो अफेक्ट हुआ स्पेसिफिक क्रोमोसोम के द्वारा, दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, इनको हमने क्या नाम दिया, सेक्स क्रोमोसोम्स। पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम्स, क्या मतलब है इसका, कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको हम क्या मतलब वो कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, इन केस ऑफ जीन्स यानी मेंडेलियन फैक्टर्स। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फिक्स्ड हैं हर एक लिविंग स्पीसीज में, दीज आर फाउंड एज उन, वो कैसे फाउंड होते हैं, होमोलोगस पेयर के द्वारा डिप्लोइड सेल्स में। डिप्लोइड सेल कौन से होते हैं, जिनकी प्लोइडी 2n होती है, हैप्लोइड इसका अपोजिट होता है जिसकी प्लोइडी n होती है सिर्फ। तो वन क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड अदर कंट्रीब्यूटेड बाय मदर, तो एक क्रोमोसोम फादर के द्वारा और दूसरा कंट्रीब्यूट होता है मदर के द्वारा, एक कॉन्स्टिट्यूट करता है होमोलोगस पेयर को, ठीक है। सेल डिवीजन से पहले जो भी क्रोमोसोम होगा या फिर जो अलील्स होंगे जीन के, वो रेप्लीकेट यानी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, ठीक है। तो मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मियोसिस कब जो है आती है, गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा। होमोलोगस जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है जो सिनेप्सिस में बने थे ड्यूरिंग प्रोफेज वन स्टेज, ये पूरी जो मियोसिस और सिनेप्सिस प्रोफेज वन स्टेज वगैरह ये हमने अभी कल वाले चैप्टर में कवर किया है सब कुछ, ठीक है। विच इन लेटर कोर्स गेट सेपरेटेड एंड ट्रांसफर, जो कि डॉटर सेल में वापस ट्रांसफर हो जाती है। तो गैमेट और हैप्लोइड सेल जो है has only one allele, सिर्फ एक allele होता है हर एक जीन में, एक ही allele होता है क्रोमोसोम के। तो characteristic diploid number is again established by the union of two haploid gametes, तो जो दोनों क्रोमोसोम और allele यानी मेंडेलियन फैक्टर बिहेव करता है according to Mendel's law of segregation, ठीक है। तो ये था इसमें। अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, थोड़ा सा ये और मैं आपको बता देती हूँ। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर विच आर कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन, वो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस जो कंट्रोल हो साइटोजीन या साइटोप्लाज्म के द्वारा, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। वो डिस्कवर किन्होंने किया था, कोरेंस ने। जीन्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो वो जीन्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं साइटोजीन या प्लाज्मा जीन या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। तो जीन विच इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड, एक जीन जो न्यूक्लियस में लोकेटेड हो उसको बोलते हैं कैरियोजीन। ये स्टार्टिंग में मैंने टर्म यूज किया था अपना, ये साइटोजीन मतलब, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनहेरिटेंस जो होती है साइटोजीन की हायर प्लांट्स में, वो किसके द्वारा होती है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल द्वारा, फीमेल के द्वारा, क्योंकि फीमेल गैमेट के पास क्या होता है, कैरियोप्लाज्म होता है। साइमल्टेनियसली इट हैज साइटोजीन बिकॉज ऑफ मोर साइटोप्लाज्म, जो मेल गैमेट होता है हायर प्लांट में उसको क्या बोलते हैं, मेल न्यूक्लियस। उसके पास बहुत ही माइन्यूट मतलब कि इक्विवेलेंट टू नील मतलब बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। सो मेल गैमेट ओनली इनहेरिट्स कैरियोजीन। तो जो इनहेरिटेंस होती है साइटोजीन की वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के द्वारा होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। अगर वहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस हो जाए उस कंडीशन में तो वो अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, रिजल्ट्स को। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तीन टाइप की होती है, प्री डिटर्मिनेशन, ड्यूर मॉडिफिकेशन एंड ऑर्गेनुलर जेनेटिक्स, जो कि आपको नहीं समझना, ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का ये पार्ट नहीं है। एक्सेप्शन क्या क्या थी कंक्लूजन ऑफ मेंडल की, तो एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस, सबसे मतलब इन्होंने दो एक्सेप्शन दी थी, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक था को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अनुसार जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो
F1 जनरेशन में ही प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जो F1 जनरेशन डिफरेंट होती है दोनों ही पेरेंट्स से, यानी कि उसमें क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई, मतलब कोई सा अफेक्ट ही नहीं दे पाया, मतलब दोनों में से कोई सा भी ऐसा नहीं है कि भाई वो अपना अफेक्ट शो कर पाया हो या छोड़ पाया हो, ठीक है। तो जो दोनों फैक्टर हैं सच एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव वो प्रेजेंट होंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, लेकिन जो डोमिनेंट फैक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस करने में अनेबल रहा उनके कैरेक्टर्स को, तो रिजल्ट किसमें क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन जो कि डिफरेंट फ्रॉम दोनों ही पेरेंट्स से डिफरेंट हुई। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोरेंस इन मिराबिलिस जलापा। तो इस प्लांट को हमने क्या बोला, फोर ओ क्लॉक प्लांट, इसका एग्जाम्पल यानी कि गूल ए बेंस, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फोर ओ क्लॉक जो है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करूँ तो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि तीन डिफरेंट टाइप के प्लांट ले रखे हैं, ठीक है, जो मिराबिलिस में फाउंड होते हैं कलर के बेस पे, सच एज जैसे रेड व्हाइट और पिंक। तो जब प्लांट्स जो है रेड फ्लावर के साथ उसको व्हाइट के साथ क्रॉस किया तो जो पिंक फ्लावर है वो ऑब्टेन हो गया। देखो रेड को व्हाइट के साथ किया तो पिंक फ्लावर मिल गया, तो बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई ना। तो रीजन क्या था इसका कि जो जीन्स है रेड कलर वाले वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हुए ओवर द जीन्स ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इसका एग्जांपल था, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो और कहाँ देखने को मिलती है, एंटीनाइनम मैजिस प्लांट में, इसको क्या बोलते हैं, स्नेप ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। अब बात करेंगे कोडोमिनेंस की, कोडोमिनेंस में जो दोनों जीन्स है वो एक्सप्रेस होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के, मतलब एज अ पर्टिकुलर कैरेक्टर F1 हाइब्रिड प्रोजेनी में, उसमें कोई ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, जबकि जो दोनों ही कैरेक्टर होते हैं वो इक्वली एक्सप्रेस्ड होते हैं। एग्जांपल क्या है, कोडोमिनेंस कौन से एनिमल्स में देखने को मिलती है, कोट कलर के लिए, ठीक है। जब एक ब्लैक पेरेंट को क्रॉस किया जाए व्हाइट पेरेंट के साथ तो एक रोन कलर मिलता है वहाँ पे F1 प्रोजेनी में प्रोड्यूस होता है। तो जब हम ऑब्टेन करें F2 जनरेशन में F1 जनरेशन, मतलब F2 जनरेशन को हम ऑब्टेन करें F1 जनरेशन से, तो जो रेशियो होती है ब्लैक ब्लैक व्हाइट और व्हाइट ऑफ एनिमल्स को क्या होती है, 1:2:1, ठीक है, यानी ब्लैक और व्हाइट को किया। तो यहाँ पे मतलब कोडोमिनेंस होती है कि मतलब एक जैसा कि दोनों ने इक्वली डोमिनेंसी शो कर दी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या है, कोई सा भी डोमिनेंट कैरेक्टर तो भाई अपना जो कैरेक्टर जो इफेक्ट है जो डोमिनेंसी है वो शो ही नहीं कर पाया। कंक्लूजन क्या था सेग्रीगेशन का, कोई भी एक्सेप्शन नहीं थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जो सेग्रीगेशन है वो इसेंशियल है मियोटिक डिवीजन के दौरान, ठीक है, इन ऑल जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें, ठीक है। ये जो लॉ था इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, तो लिंकेज एक इसकी एक्सेप्शन हो सकती है। लिंकेज में क्या था, लिंकेज एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि जो सर्टेन जीन्स है, मतलब कुछ जीन्स जो साथ में रह रहे हैं इनहेरिटेंस के द्वारा जनरेशन, मतलब इनहेरिटेंस के दौरान जनरेशन के द्वारा किसी भी चेंज या फिर सेपरेशन के बिना, उसको क्या, दिस इज ड्यू टू, ये किस लिए है, जो उनकी लोकेशन होती है सेम क्रोमोसोम पे, इस वजह से। लिंकेज सबसे पहले सीन की मतलब किन्होंने देखी थी, बेटसन और पुनिट ने लेथरियस ओडोरेटस एंड गेव कपलिंग एंड रिपल्शन फिनोमेना। कपलिंग और रिपल्शन क्या होता है, कपलिंग होता है एक साथ है, रिपल्शन होता है कि दूर दूर जाए, वो फिनोमेना दिया, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ लिंकेज, लेकिन वो लिंकेज का फिनोमेना फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो सेक्स लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफाइला एंड कॉइंड द टर्म लिंकेज, ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट, मतलब उसको एक डाई हाइब्रिड प्लांट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिंकेज के केस में डाई हाइब्रिड में, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कुछ ऐसे, ये दो टाइप ऑफ गैमेट को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया लिंकेज वाला, निकाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, हाँ ये ऐसे कुछ था, ठीक है। जो लिंक्ड जीन्स है वो लीनियरली लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, तो वो सेपरेट कब होते हैं, अगर इफ एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, उनके बीच में एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है लिंकेज की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं डिस्टेंस के, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम स्ट्रेंथ, और जितना वे पास पास होंगे, और मतलब देखो डिस्टेंस ज्यादा स्ट्रेंथ कम, डिस्टेंस कम स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, मतलब ऐसा सीन था।
इट मीन्स कि जो अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज इंक्रीज तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज रिड्यूस हो जाएगी. प्रूव क्या किया कि ग्रेटर इज द डिस्टेंस बिटवीन जीन, जितना ज्यादा ग्रेटर डिस्टेंस जीन्स के बीच का, ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर क्रॉसिंग ओवर, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी उनके क्रॉसिंग ओवर की. और क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली डिस्टर्ब कर देगी डीजनरेट लिंकेज को, तो लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर. कौन से फैक्टर इसको क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं? डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया क्रॉसिंग ओवर फिर ज्यादा हो गई, एक्सरे की रेज ज्यादा क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, एज ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कम, एज ज्यादा क्रॉसिंग ओवर कम, सेक्स मेल है तो क्रॉसिंग ओवर कम. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टोटली एब्सेंट इन मेल, क्रॉसिंग ओवर मतलब टोटली खत्म होती है मेल ड्रोसोफाइला में. तो अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स ऑन क्रोमोसोम क्या थी? जो अरेंजमेंट थी लिंक्ड जीन की, किसी भी डायहाइब्रिड प्लांट में दो टाइप की हो सकती है, सिस और ट्रांस अरेंजमेंट. ठीक है, ये इतना डिटेल में आपको समझना ही नहीं. टाइप्स ऑफ लिंकेज कैसी कैसी है? कंप्लीट लिंकेज होती है, एक इनकम्प्लीट लिंकेज होती है. कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि लिंकेज इन विच जिसमें जीन्स जो है हमेशा पैटर्नल कॉम्बिनेशन ही शो करता है उसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज. ये कभी भी नया कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं करता. क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होती है इसमें. सच जीन्स आर लोकेटेड, ये जीन्स जो है बहुत ज्यादा क्लोज लोकेटेड, मतलब वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम पे बहुत क्लोजली लोकेटेड होते हैं. सच टाइप ऑफ लिंकेज, ये इस टाइप की लिंकेज जो है बहुत रेयरली नेचर में देखने को मिलती है. जैसे कि एग्जाम्पल मेन ड्रोसोफाइला और फीमेल सिल्क मोथ. इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें, जब न्यू कॉम्बिनेशन जो है अपीयर हो जाए पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन ऑफस्प्रिंग में, तो ये इस टाइप की जो लिंकेज है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज. न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म होते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो जो परसेंटेज है नए कॉम्बिनेशन की वो इक्वल होती है परसेंटेज ऑफ मतलब क्रॉसिंग ओवर, यानी कि 50%. ठीक है, अप्रोक्स. तो डिस्टेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इनकम्प्लीट, डिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज के द्वारा. तो इट्स यूनिट इज सेंटी मोर्गन, सीएम इसकी यूनिट होती है. स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस के जो लिंक्ड जीन के बीच में होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शन क्रॉसिंग ओवर की. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा टॉपिक बच गया है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ये तो आप जानते होंगे. ये जो है डिटेल में भी चैप्टर, मतलब यही है वो कि भाई एक्स और वाई वही क्रोमोसोम वाला सीन है जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में अच्छे से समझते हो पढ़ते हो. ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की. तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या थी? मोर्गन ने मेल या फीमेल पेरेंट जो है वो ट्रांसफर करते हैं एक्स लिंक्ड कैरेक्टर उनके ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर में ऑफ स्प्रिंग के द्वारा जो उनके अपोजिट सेक्स की होते हैं. ठीक है, जो इनहेरिटेंस होता है जिसमें कि कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया जाए फादर या फादर से डॉटर में या फिर डॉटर टू ग्रैंड सन में, उनको बोलते हैं डायजेनिक, यानी फादर से डॉटर में और डॉटर से ग्रैंड सन में. ठीक है, तो इनहेरिटेंस जिनमें कैरेक्टर जो है इनहेरिट हो जाए मदर से सन में और सन से ग्रैंड डॉटर में, उनको बोलते हैं डायंड्रिक. ठीक है, डायजेनिक और डायंड्रिक दोनों टर्म क्लियर होनी चाहिए अब आपको. ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बताती हूँ कि प्लायोट्रोपिक जो शायद हाँ पीछे था वो. ठीक है, प्लायोट्रोपिक, थोड़ा सा प्लायोट्रोपिक जीन के बारे में मैं बता देती हूँ आपको. जीन जो कंट्रोल करे एक से ज्यादा कैरेक्टर को उनको बोलते हैं प्लायोट्राइब, मतलब प्लायोट्रोपिक. एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, यानी मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट. एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कि भाई ह्यूमन का जो ड्रोसोफाइला में जो रिसेसिव जीन है वर्स्टिजाइल विंग्स, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ और भी कैरेक्टर को. जैसे कि वो स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिखाते हैं, लेंथ ऑफ बॉडी को भी, ब्रिस्टल सोन विंग को भी, यानी कैरेक्टर एक काम अनेक. ठीक है, ऐसा कुछ है. तो एग्जाम्पल क्या क्या प्लायोट्रोफिक जीन के ह्यूमन में, मैं साथ के साथ यहाँ पे कवर कर दूंगी जो ये म्यूटेशन वगैरह भी हैं जिसके साथ एग्जाम्पल आएगा. सिकल सेल एनीमिया, ये क्या होता है? जीन जो प्रोवाइड करे क्लासिकल एग्जाम्पल प्लायोट्रोपिक का, ये कोस इट नॉट ओनली कोसेस ह्यूमेलाइटिक एनीमिया, ये सिर्फ एनीमिया यानी खून की कमी को ही नहीं करता, बट ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज्ड मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिशोधक शक्ति बढ़ा देता है किसी एक टाइप ऑफ मलेरिया के अगेंस्ट जो कि कोस होता है पैरासाइट प्लस मोडियो फैल्सिफेरम के द्वारा. ये आपने शायद डिसीज इन ह्यूमन बींग्स चैप्टर में पढ़ा होगा. तो जो सिंगल सेल अलील है वो उसके पास प्लायोट्रोपिक इफेक्ट होता है डेवलपमेंट के ऊपर बहुत से टिश्यूज ऑर्गन जैसे कि
बोन, लंग्स, किडनी, स्प्लीन एटसेट्रा। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? ये एक हेरिडिटरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है जो कि कंट्रोल होती है सिंगल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के द्वारा। तो जो जीन स्पेसिफाइज एन एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस अ यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जो एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है उसको ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। ग्लाइकोप्रोटीन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। तो जितना ज्यादा म्यूकस इंटरफेयर करेगा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेवरल एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ, जैसे कि स्किन, लंग्स, लीवर एंड पैनक्रियास। ठीक है, जीन इंट्रैक्शन एक टर्म, ये क्या होता है? जीन इंट्रैक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन थी उसकी मॉडिफिकेशन होना, किसकी वजह से? ऑफ जीन्स ड्यू टू देयर एलील या फिर नॉन एलीलिक जीन्स के द्वारा। ठीक है, जीन्स की वजह से। म्यूटेशन क्या होता है? ये जो होता है कि इन मतलब सडन हेरिटेबल चेंज, मतलब कि कुछ एकदम से ऐसा हेरिटेबल चेंज आ जाना जेनेटिक मटेरियल में ऑर्गेनिज्म के, मतलब उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि कुछ हेयर फेर, मतलब हेयर बदल हो जाना उसमें। ठीक है, मलर ने डिस्कवर्ड किया था इंड्यूस्ड म्यूटेशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब थोड़ी सी डिसीज यहाँ पे कवर कर लेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ मैन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, मतलब पेडिग्री एनालिसिस ये होता है कि हम पर्टिकुलर उनको सिंबल से, जैसे यहाँ पे दे रखा, मतलब ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, सेक्स ऑन स्पेसिफाइड, मतलब ये सिंबल से हम जब स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ये हम। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ डिसीज दैट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटी, किसी इंडिविजुअल के डीएनए में अगर एबनॉर्मलिटी हो जाए उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को ग्रुप किया गया है दो कैटेगरीज में, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दोनों अलग अलग। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो चीफली डिटरमाइन होते हैं किससे, या तो अल्टरनेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए सिंगल जीन में, जैसे कि एग्जांपल पढ़ेंगे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनोरिया एटसेट्रा। ठीक है, ये सब इसमें हम पढ़ते हैं। और इसका मैं अभी आपको ये, जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए हीमोफीलिया की। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है? एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ब्लड में जो कि एक इसेंशियल क्लोटिंग फैक्टर होता है, इधर पार्शली और कम्प्लीटली मिसिंग, मतलब एक जो क्लोटिंग फैक्टर होता है ना इसमें वो कम्प्लीटली मिसिंग हो जाता है। तो ये जो फैमिली पेडिग्री थी इसकी क्वीन विक्टोरिया की, उन्होंने एक बहुत सारे हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स होते हैं वंशज को जन्म दिया था क्योंकि वो उनके अंदर ये डिसीज थी। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ग्लूटामिक या एसिड जो होता है एक ग्लूटामाइन, वो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन के द्वारा। ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ, ये डाटा आपको याद, मतलब ये चीज तो आपको याद रखनी है इसको। ये एक ब्लड डिसीज होती है जहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं नॉर्मल के कंपेरिजन में। थैलेसीमिया किसकी वजह से होता है? ऑटोसोमल म्यूटेंट जीन की वजह से। ये ग्रुप होता है किसका? जेनेटिक डिसऑर्डर का, जो रिजल्ट करता है डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ सब यूनिट, हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है उसको ये अफेक्ट कर देता है। गोचर्स डिसीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल, ये फैट मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जो एब्सेंस या फिर एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम की वजह से हो। अगर सेग्रीगेशन में फेलियर हो जाए क्रोमेटिड्स की सेल डिविजन के द्वारा, तो वो गेन या लॉस ऑफ क्रोमोसोम में रिजल्ट करता है, उसको बोलते हैं एन्यूप्लोइडी। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेलटर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो कोस होता है बाय प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ, अगर एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम की प्रेजेंट हो, तो जो नंबर क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी 21, तो ये अफेक्टेड जो इंडिविजुअल है वो शॉर्ट आपको कद का मिलेगा, स्मॉल राउंड हेड होता है, फ्यूरो टंग होती है बाहर निकली हुई, पार्शली ओपन माउथ होता है, पाल्म उसकी बड़ी ब्रॉड होती है। ठीक है, तो फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट उसकी रिटार्ड हो जाती है, मतलब उसमें कुछ अड़चन आ जाती है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो होता है वो कब होता है? जब एक एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंट हो कैरियोटाइप 47 पे, ठीक है, एक्स एक्स वाई मतलब काइंड ऑफ, तो उस इंडिविजुअल के पास ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगी, जबकि वो फेमिनाइन डेवलपमेंट भी शो करेगा, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रिज की होना, गायनेशियोमास्टिया को बोलते हैं, एक्सप्रेस हो जाएगी वो। ठीक है,
ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम कब कॉज होता है? ड्यू टू अब्सेंस, अगर किसी भी एक्स क्रोमोसोम की अब्सेंस हो जाए, यानी कि दैट इज 45 विद एक्सो, सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज एंड रूडिमेंट्री, मतलब ओवरीज या फिर रूडिमेंट्री जो होते हैं, बिसाइड अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार आप खुद से इसके एनसीईआरटी से रीडिंग ले ले, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।